जय श्री हरि विष्णु। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत्, अर्थात मानसिक और शारीरिक शक्ति का संचय करके रखना अति आवश्यक है। इस शक्ति के बल पर ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शक्तिहीन मनुष्य तो किसी ना किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। अतः ब्रह्मचर्य का अर्थ तथा इसके महत्व को समझना मानव देहधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रिय श्रोता गणों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित समस्त वेदों व धर्म शास्त्रों के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी आज की प्रस्तुति में हम आपको भ्रूण हत्या अथवा गर्भपात के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया प्रस्तुति अंत तक देखें। धन्यवाद। जितने भी पाप होते हैं वे किसी के मानने या न मानने पर निर्भर नहीं करते। पापजनित कार्यों के विषय में वेद पुराण स्मृति शास्त्र और अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुषों के वचन ही प्रमाण हैं। गर्भस्त्राव गर्भपात या भ्रूण हत्या सनातन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। संसार का कोई भी श्रेष्ठ धर्म इस पाप को समर्थन नहीं दे सकता है, कारण कि यह काम मनुष्यता के सर्वथा विरुद्ध है। क्रूर एवं हिंसक पशु भी ऐसा काम नहीं करते हैं। इस संपूर्ण चराचर सृष्टि में सभी जीवों की अपेक्षा केवल मनुष्य जाति ही सर्वश्रेष्ठ है, तथा भगवान के अनुरूप पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं उन सब की रक्षा सेवा तथा पालन पोषण करने का सर्वोच्च अधिकार योग्यता सामर्थ्य एवं दया भाव केवल एकमात्र मनुष्य के पास ही है। इस प्रकार एक मनुष्य की हत्या कर देना विश्व का बहुत बड़ा महापाप है, तथा मनुष्य में भी बच्चे की हत्या कर देना तो उससे भी बड़ा और घृणित महापाप है, क्योंकि बच्चा निरपराध निर्बल एवं निर्दोष होता है। किंतु जिस शिशु ने अभी बाहरी परिवेश में जन्म ही न लिया हो, जो शिशु अचेत अवस्था में गर्भ में ही विद्यमान हो, उसकी हत्या कर देना तो महाभयंकर पाप है। गर्भ में जीव निर्बल और असहाय अवस्था में पड़ा रहता है, वह अपने बचाव के लिए कोई साधन या उपाय भी नहीं कर सकता, वह प्रतिशोध भी नहीं कर सकता, न ही वह पुकार सकता है, न ही रो सकता है और न ही चिल्ला सकता है, तथा उसका कोई अपराध या कसूर भी नहीं है, वह सर्वथा निर्दोष है। ऐसी अवस्था में उस निरपराध शिशु की हत्या कर देना कितना महान पाप है। वैर विरोध में किए जाने वाले युद्धों में भी शत्रु की हत्या का ही उद्देश्य रहता है, फिर भी उसमें निहत्थे सैनिक पर शस्त्र नहीं चलाया जाता। पहले उसे सावधान करते हुए युद्ध के लिए ललकारा जाता है, तदंतर शस्त्र का उपयोग उस पर किया जाता है। परंतु गर्भस्थ शिशु तो सर्वथा गर्भाशय में असहाय होकर पड़ा रहता है। उसको कदापि इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कोई मुझे मार रहा है। ऐसी अवस्था में उस मूक या निस्तब्ध प्राणी की दर्दनाक हत्या कर देना कितना महाभयंकर पाप है, कितना घोर अन्याय है। एक कहावत है कि विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम सांप्रतम, अर्थात अपने द्वारा लगाया हुआ विषवृक्ष भी काटा नहीं जाता। जिस गर्भ को स्त्री और पुरुष मिलकर उत्पन्न करते हैं उसकी अपने ही द्वारा हत्या कर देना कितना महापराध है। कसूर तो स्वयं करते हैं, परंतु हत्या बेकसूर गर्भ की कर देते हैं, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। जो माता पिता अपने बच्चे का स्नेह पूर्वक पालन और रक्षा करने वाले होते हैं, वे यदि अपने ही गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देंगे तो किससे रक्षा की आशा की जाएगी। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, अर्थात संतान के लिए तो माता पिता ईश्वर के समान हैं। यदि वे अपनी संतान का जन्म से पहले ही नाश कर देंगे तो फिर रक्षा कौन करेगा। साधु लोग चातुर्मास में एक ही जगह इस कारण रहते हैं कि स्थावर पेड़ पौधों के अंकुर यात्रा करते समय पैरों के नीचे आकर नष्ट न हो जाएं। अर्थात जब शास्त्रों में स्थावर प्राणियों की भी हिंसा का इतना बड़ा पाप बताया गया है, फिर जो जंगम प्राणी हैं उनकी हिंसा का कितना बड़ा पाप है।
जंगम प्राणियों में भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उस मनुष्य की गर्भ में ही हत्या कर देना कितना बड़ा घृणित कुकर्म है। इससे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। गर्भ से आया जीव जन्म लेने के बाद न जाने कितने लौकिक और पारमार्थिक कार्य करता है। समाज की और देश की सेवा करता है, अनेक लोगों की सहायता करता है, संत महात्मा बनकर अनेक लोगों को सत्मार्ग में लगाता है, अपना तथा औरों का कल्याण करता है, खेती करता है तथा अनेक कारखाने खोलता है आदि। परंतु जन्म लेने से पूर्व ही उसकी हत्या कर देना तो महान पाप कर्म है। क्या हम जानते हैं कि गर्भ में आया जीव कौन है, कैसा है? यदि समस्त महापुरुषों का जन्म से पूर्व ही गर्भपात कर दिया गया होता तो देश की कितनी क्षति हुई होती। जिस प्राणी को जीवित नहीं किया जा सकता, उस प्राणी को मारने का अधिकार मनुष्य को कैसे हो सकता है? जीव मात्र को जीने का अधिकार है। उसको गर्भ में ही नष्ट करके उससे उसका अधिकार छीनना सर्वथा ही महान से महान पापकृत्य है। मनुष्य मात्र को दूसरों की सेवा करने तथा सबको सुख पहुंचाने का अधिकार है, किसी का नाश करने का कदापि नहीं। यदि गर्भपात की प्रथा चल पड़ेगी तो ऐसे में मनुष्य राक्षसों से भी निम्न कोटि के हो जाएंगे। रावण तथा हिरण्यकश्यपु के राज्य में भी गर्भपात जैसा महापाप नहीं हुआ था। महाभारत काल में भी स्वयं भगवान श्री वासुदेव ने भ्रूण हत्या को विश्व का सबसे महान पाप बताया है। उनकी दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह केवल भ्रूण हत्या ही है। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। तब भगवान ने अति सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के शरीर में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उत्तरा एवं उसके गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित को पुनः जीवन दान दिया था। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर से चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि हे अश्वत्थामा, तुमने जन्म तो देखा है किंतु मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और सर्वथा कष्टप्रद रहकर दुख भोगते रहोगे। इस प्रकार भ्रूण हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर दंड निर्धारित हैं, तथा ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस पाप का निर्दयता पूर्वक दंड भोगना पड़ता है। शास्त्रों में जगह जगह गर्भपात को महापापकृत्य बताया गया है। पाराशर स्मृति में तो इसको ब्रह्महत्या रूपी महापराध से भी दुगना बताया गया है। यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। अर्थात ब्रह्महत्या से जो पाप लगता है उससे दुगुना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। भ्रूण घनावेक्षितं चैव समस्पृष्टं चाप्युदकया पततृणा वलीढं च शुना समस्पृष्टमेव च। अर्थात यदि अन्न पर गर्भपात करने वाले पापी की दृष्टि भी पड़ जाए तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है। गर्भ हत्या करने वाले का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का स्पर्श किया हुआ तथा पक्षी का खाया हुआ और कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अन्न कभी न खाए। बड़े भाग मानुष तनुपावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभग भूरु कबहो करी करुणा नरदेही देत इस बिनु हेतु सनेही। अर्थात मनुष्य शरीर को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। परम कृपालु भगवान विशेष कृपा करके जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। जीव मनुष्य शरीर में आकर अपना और दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। वह सबकी सेवा एवं भगवान की भी सेवा कर सकता है, परंतु अपनी भोगेच्छा के वशीभूत होकर उस गर्भस्थ जीव को ऐसा दुर्लभ मौका न मिलने देना, उसको मनुष्य शरीर में न आने देना, उसको जन्म ही न लेने देना, जन्म लेने से पहले ही उसको मार देना कितना महान पाप है। उस जीव के साथ कितना घोर अन्याय है। ऐसा महान पाप करने वालों को घोर नरकों तथा नीच योनियों की महाभयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यदि उनको चिरकाल में कभी मनुष्य जन्म मिल भी जाता है तो उसमें भी उनकी संतान नहीं रहती है। संतान के बिना वे रोते रहते हैं।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के द्वितीय अध्याय में आया है कि मूल प्रकृति ने अपने गर्भ से उत्पन्न बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में फेंक दिया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण के विधान से आगे प्रकृति से प्रकट होने वाली लक्ष्मी, सरस्वती, राधा तथा राधा से प्रकट होने वाली गोपियों में से किसी की भी कोई संतान नहीं हुई। अब कुछ लोगों के मन में यह शंका उठती होगी कि गर्भपात करने से अगले जन्मों में संतान नहीं होगी तो यह अभीष्ट ही है, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, फिर संतान न होने से क्या हानि है। इसका समाधान यह है कि संतान के सुख से वंचित होने की अवस्था का अनुभव उन्हीं गृहस्थों को हो सकता है जिनकी कोई संतान हुई ही नहीं। मनुष्य में पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा ये तीन मुख्य ऐषणाएं अथवा इच्छाएं होती हैं। जिनकी संतान नहीं होती वे संतान के लिए डॉक्टरों के पास, संत महात्माओं के पास एवं तीर्थों में इत्यादि जगह जगह भटकते हैं। वे विभिन्न प्रकार की औषधियां लेते हैं, मंत्र जप करते हैं, देवी देवताओं की मनौती करते फिरते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार संतान होने का जो सुख होता है वे गर्भपात करने वाले कई जन्म जन्मांतरों तक नहीं देख पाते हैं। सिद्धांत यह है कि जो जिस वस्तु का दुरुपयोग करता है उसको वह वस्तु पुनः नहीं मिलती। इस प्रकार जब माँ बच्चे को मिठाई देती है पर वह उसको न खाकर फेंक देता है तो फिर माँ उसको मिठाई न देकर थप्पड़ लगाती है। ऐसे ही भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं पर मनुष्य उस शरीर का दुरुपयोग करता है, शास्त्रों के विरुद्ध चलता है एवं पापजनित कार्यों में ही जीवन व्यतीत करता है तो फिर भगवान उसको पुनः मनुष्य शरीर न देकर नरकों और नीच योनियों में डाल देते हैं। हालांकि बालक तो ना समझ होता ही है इसलिए माँ उसको पुनः मिठाई दे देती है, परंतु मनुष्य समझ पूर्वक जान बूझ कर पाप कर्म करता है अतः उसको भगवान पुनः मानव शरीर नहीं देते। इसी तरह जो अन्न जल को निरर्थक नष्ट करता है उसको भूख प्यास का कष्ट उठाना पड़ता है। जो मालिक अच्छे नौकर का तिरस्कार करता है उसको फिर अच्छा नौकर नहीं मिलता। जो नौकर अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है उसको फिर अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जो अच्छे संत का तिरस्कार करता है अर्थात उनसे लाभ नहीं उठाता उसको फिर अच्छे संत नहीं मिलते। ऐसे ही जो गर्भ में आए जीव की हत्या करता है उसको फिर अगले मनुष्य जन्म में संतान नहीं होती। गर्भपात तो सबसे भयंकर अपराध है क्योंकि एक तो संतान के उद्देश्य के बिना केवल भोग भोगा तथा दूसरा उससे पैदा हुए गर्भ की हत्या की। गर्भनाश का परिणाम भयंकर विनाश होता है, अतः भावी घोर यातना से बचने के लिए समझदार स्त्री पुरुषों को कभी गर्भपात रूपी महापाप नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।